नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। शिक्षक के साथ हुई मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। विगत दिवस राधा कॉलोनी स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी का विरोध करने पर एक शिक्षक के साथ उक्त आरोपियों द्वारा लाठियों से पीटा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वहीं शिक्षक के द्वारा भी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों को ढूंढा जा रहा था। वहीं पुलिस के द्वारा चार आरोपी पकड़े गए, जिनका पुलिस द्वारा आज कोतवाली से लेकर न्यायालय तक जुलूस निकाला गया। आरोपियों का जुलूस निकालने के पीछे मकसद ये था ताकि शहर में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इलाज के अभाव में एक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची टीबी के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लाई गई थी, जहां डॉक्टरों ने उसका टेस्ट करने के बाद बताया कि बच्ची को एड्स है। वहीं डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज करने से मना कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि बच्ची के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। ये नन्ही बच्ची पिछले कई दिनों से अस्पताल में इलाज करा रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि इसको कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन मौन है। बताना इसकी रिपोर्ट बताओ। खाना खा रही तो उल्टी आ रही है बेटा। और क्या खाना है? बस अकेली मूली खाएगी। अनार मंगा हुआ था। अनार इसमें अभी दवाई लगाई ना बेटा, इससे फिर वो आराम पड़ जाएगा। ये दवाई लगी ना, इससे आराम पड़ जाएगा, तेरे को उल्टी भी नहीं होगी उससे। जब पानी की है, जब पानी की, तो उल्टी हो रही ना, है? इससे कमी पूरी हो जाएगी। नहीं, कौन से डॉक्टर ने बोला था कि यहाँ से चले जाओ, कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा? बतुल मैडम, बतुल मैडम। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? इलाज नहीं हो, जहाँ पड़े पड़े क्या करोगे, बाहर ले जाओ, कहीं ले जाओगे। अच्छा, फिर दोबारा भर्ती किसने करा? दोबारा भर्ती मैंने ही करी है। किस, कोई से डॉक्टर से मिले थे क्या? किन से? जो अब ड्यूटी पे है मनीष जैन साहब, तो वो तो ड्यूटी पे है। ड्यूटी डॉक्टर ने फिर इसको भर्ती कर दिया दोबारा से। इनको मतलब क्या बीमारी हो गई है? बच्ची को बीमारी क्या? नहीं है निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ को निर्वाचन की ट्रेनिंग दी गई। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्य में लगने वाले बीएलओ को आज निर्वाचन मशीन का डेमो दिखाया गया एवं निर्वाचन संबंधी जानकारियां दी गई। चाहते थे कि वोट किसी को डाल रहे हैं और जा किसी को रहा है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने एक इस प्रकार की मशीन वीवीपैट तैयार की कि हम जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं, उसकी पर्ची हमें सामने दिखेगी। केवल 7 सेकंड के लिए दिखेगी, केवल और केवल 7 सेकंड के लिए। 7 सेकंड दिखने के बाद ड्रॉप बॉक्स में फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी, फिर आप उसको द्वारा नहीं देख सकते। तो समस्या, एक कठिनाई आ सकती है कि हम अपने आसपास जहाँ भी जॉब करते हैं घरों के पास, तो ये मतदाताओं को थोड़ा सा बता दें, अपन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी,
केवल भीम पेड़ से पक्षी 7 सेकंड तक ही देखे। वैसे तो इसका ट्रायल भी चल रहा है, प्रत्येक बूथ पर वीवी पैड जा रही है, उनको दिखाया भी जा रहा है कि इस प्रकार से पर्ची गिरती है। वीवी पैड में अंदर दस्तावेजी जांच प्रमाण सामान्यतः देखा गया है, जब भी कोई वोटर मोटा से जाता था या किसी एक पार्टी का व्यक्ति जब आ जाता था तो कोई ये बोलता था कि वहां तो ये होता कोई बटन दबाओ कि संबंधित पार्टी को अकेली पार्टी को। आज गुना बिना ट्रेन रद्द हो जाने के कारण जो लोग डेली अप डाउन करते थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रेन के रद्द हो जाने से स्टेशन पर भी भीड़ नजर नहीं आई। गुना में निरंतर बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने में पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब सिद्ध हो रही है, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कल रात, जब 2 व्यक्तियों को कुछ लोगों ने मिलकर चाकुओं से अनेक बार कर दिए। आपको बता दें कि शहर के बूढ़े बालाजी क्षेत्र में 2 लोगों पर जानलेवा हमला हो जाने से शहर में दहशत का माहौल है। बता दें कि भौरा मस्जिद के खानसामा मुकुल शाह और उसके साथी गमरू कुशवा पर कल देर रात धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया था। इन दोनों पर हमला करने वाले आरोपी रवि रजक, धनु कुशवा और गोलू रजक बताए जा रहे हैं। घटना पवन कॉलोनी में घटित हुई। सिर में चाकू लगने से मुकुल शाह की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने किया आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसके चलते पुलिस कहते 3 आरोपी लगे हैं। वहीं पुलिस अभी इन तीनों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे कारण क्या था। वहीं सूत्र बताते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया वह सभी आपस में अच्छे दोस्त हैं और शराब पीने के बाद इन लोगों में कुछ कहासुनी हो गई थी, इसके चलते इतनी बड़ी वारदात घटित हुई। समझ में नहीं आता कि आखिर शहर की फिजा को हुआ क्या है। घर के पेड़ के पास में गली में मर रहा था, जैसे ही पास में आन के दाते साथ चक्कू मारना चालू कर दिया। रवि की शकल देखी, धनु की शकल देखी, गोल धोबी की शकल देखी। कितने लोग थे वो लोग? 3 जने थे, तो 5-6 जने 3 जनों की शकल देखी। कोई बात तो गोलू था, कुछ बात ही नहीं थी, हम तो घर जा रहे थे सीधे। कोई पुराना विवाद? कोई मेरा कोई विवाद ही नहीं था, मुझे वैसे पता ही नहीं कोई विवाद है। काम करके आ रहा था भोरा मस्जिद से, और काम करने वाला भोरा मस्जिद से वो कहा सिराज भाई भी आया। किस चीज से बात किया? मेरी कोई बात ही नहीं हुई। आन के पीछे किस चीज से मारा? चक्कू से वगैरह कुछ चीज से मारने चालू कर चक्कू दिए पहले तो मारने वाले। एक तो रवि था, एक गोली धोबी था और एक धनु कुछ हुआ था। इनसे कोई पहली लड़ाई कोई मेरी कोई विवाद नहीं था पहले। कौन सी जगह की घटना है ये? इमली के पेड़ के नीचे। ये तुम्हारे दोस्त दिखाई थे घायल हुआ जो मेरे बीच बचाव में आया, मेरे साथी था, मतलब घर जा रहा था, आने का पीछे जैसे मुझे मारा ना जी बचाव में आया तो उसमें भी दे दी। लाखों की लागत से जिला अस्पताल में डायलिसिस की मशीन लगाई गई थी, लेकिन वह जब से लगी है तब से अधिकतर समय खराब ही पड़ी रहती है, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन कई बार शिकायत भी कर चुका है। वहीं इस बार 15 दिन से बंद पड़ी डायलिसिस की मशीन चालू हो गई। डायलिसिस मशीन को बाहर से आए इंजीनियर द्वारा सुधार दिया गया है, जिसके बाद आज मरीजों को उसकी सुविधाएं मिलना चालू हो गई। लेकिन यह भी देखने लायक होगा कि कितने मरीजों का इसका लाभ मिल पाता है और कितने समय तक। डायलिसिस मशीन हमारी 15 दिन से बंद थी और उसका आरओ ख़राब हो गया था। उसको सुधारने के लिए जो इंजीनियर आए थे वो नहीं सुधार पाए थे, लेकिन कल जो इंजीनियर साहब आए थे जबलपुर से, उन्होंने आरओ मशीन को सुधार दिया, जिससे डायलिसिस शुरू हो गया है और आज डायलिसिस वहाँ पर हो रहे हैं। जिला
अस्पताल इन दिनों गंदगी की भेंट चढ़ा हुआ है। सफाई कर्मचारियों को लाखों रुपया वेतन देने के बाद भी न जाने क्यों अस्पताल प्रबंधन उनसे साफ सफाई करवाने में नाकाम साबित हो रहा है। जहां देखो वहां गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है, जबकि अस्पताल को साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आधी बीमारियों तो गंदगी की वजह से ही होती है। इससे जो मरीज सही हो भी रहे हैं तो उनको भी इसका गलत असर ही पड़ेगा। एक बार फिर ट्रैफिक लाइट बनी शोपीस। बड़े ही धूमधाम से शुरू की गई थी ट्रैफिक लाइट, जो कि इसलिए लगाई गई थी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सही से चल सके, लेकिन ये लाइटें शोपीस बनकर रह गईं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले भी गुना में ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी जो कि शोपीस बनकर रह गईं, जिसके बाद दोबारा ये लाइटें लगाई गईं, लेकिन इनका भी हाल वही हुआ। कैसे सुधार पाएंगे शहर का बिगड़ा हुआ यातायात। वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक का नाम रिंकू चौहान है, जो कि एक पेट्रोल पंप पर कार्य करता था। इस युवक ने रात में अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और न ही युवक के शव के पास कोई सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद घर वालों को सौंप दिया। पुलिस की तफ्तीश में अभी तक उन कारणों का पता नहीं चल पाया जिनके चलते युवक ने इतना गंभीर कदम उठाया। मालूम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चला जाएगा, आप अपने काम पे थे। कितने बजे की घटना है ये? 8:30 की बात है, मेरे को तो जब मालूम पड़ी जब मैं आया। ये फांसी लगाई है, अभी क्या है इसके मर्ग कायम करके हमने जांच में लिया है और बाकी की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्या नाम था इस लड़के का? इसका नाम है रिंकू को हिम्मत सिंह। उम्र लगभग कितनी? उम्र इसकी 28 वर्ष, निवासी साई सिटी कॉलोनी बूढ़े बालाजी गुना का रहने वाला है। क्या कोई कारणों का थोड़ा सा खुलासा नहीं हो पा रहा? कारणों का तो अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, जांच में लिया मर कायम करके और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि। बैंक कर्मचारियों की मनमानी से परेशान हैं ग्रामीण। आरोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित गुना शाखा आरोन की बैंक के कर्मचारी अपनी मनमर्जी से बैंक का समय निर्धारित करते हैं, जिसके कारण बैंक के उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। अभी हाल ही में बैंक की जो स्थिति सामने आई है वह देखने लायक है, जिसके कारण ग्रामीणों का भरोसा बैंक के ऊपर से उठता जा रहा है। ग्राहक बैंक के अधिकारियों का इंतजार करते रहते हैं और बैंक कर्मी कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे आते हैं। आज भी बैंक कर्मी 12 बजे आए, वहीं ग्राहकों के भी लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि ये तो रोज का काम है, शासकीय कर्मचारी इतने लापरवाह होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी जी के सपने डिजिटल इंडिया की जवाबदेही कैसे पूरी होगी। करीबन 15-20 मिनट से खड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या वो लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, मैं अपने कुछ इस दस्तावेज पे दस्तखत कराने आया था। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है। और बैंक खुलने का 10:30 का टाइम है, आप समय भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे तो बैंक में चोरी भी कुछ भी हो सकती है। तो आपका क्या कहना है? बस ये बहुत बेकार स्थिति है। साहू जी, आप अकेले ही आए हो आज या पूरे स्टाफ? कितने बजे तक आएगा? SBI गया है, KCI मैडम आने वाली है 5 मिनट।
अच्छा, एक ग्राहक खड़े हैं जमा करने वाले कुछ और कैश के लिए। अरुण से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। जिला फुटबॉल संघ द्वारा राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर में किया जा रहा है। वहीं आज नॉर्थ जोन का फाइनल मैच ग्वालियर एवं सीहोर के बीच खेला गया। वहीं सीहोर ने पेनल्टी शूटआउट के द्वारा जीत दर्ज कराई। बार बाल बची, ग्वालियर अपने पोस्ट पर नहीं थे, लेफ्ट आउट खिलाड़ी निश्चित रूप से खतरा हो सकता। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।